कैसा है। पूरा टीवी चैनल्स आप देख रहे हैं, सिर्फ कल का बात मैं नहीं बोल रही हूँ, आप देख रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी दल लोकतंत्र को कुचल करने के लिए साजिश कर रहे हैं, ये लोग इस इलेक्शन में जिस तरह से इलेक्शन को एक दबाव में लाने को, सप्रेस करने को कोशिश कर रहा है, आप सब देख रहे हैं, देश के वासी देख रहे हैं। हम आज वो उनका जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो एक्सटॉर्शन है उसके बारे में आपको बात करना चाहते हैं। सारा देश में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जो माहौल आज चल रहा है, जो कॉन्स्पिरेसी करके ये लोग कैसे पैसा इकट्ठा कर रहे थे उसका बारे में मालूम है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये खुलासा हो गया है, तब लोगों को पता चला। अभी इस बारे में ओडिशा का स्टेट में क्या हो रहा था, ओडिशा स्टेट बीजेपी के साथ है, ओडिशा का बीजेडी दल बीजेपी के साथ है, ये अभी स्पष्ट हो गया है, क्योंकि ये भी ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो पैसा है उसका भागीदारी है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज बीजेडी एक रीजनल पार्टी है, लेकिन बीजेडी इज द रिचेस्ट रीजनल पार्टी हु हैज़ गेन्ड फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड्स। कितना मिला उनको, 1019.5 करोड़ टोटल। जितने भी रीजनल पार्टी है ऑल इंडिया में, सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से फ़ायदा हुआ है बीजेडी को, नवीन पटनायक के पार्टी को। तो इन्होंने कैसे कैसे लिया है, कौन सा कंपनीज से मिला है उनको, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। एक है आदित्य बिरला ग्रुप कंपनीज का जो डोनेशन है, एसएल माइनिंग ग्रुप 174.5 करोड़। वहाँ में आपको याद होगा कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उत्कल एलुमिना प्लांट को वहाँ में एक्सपेंशन करने के लिए बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था, वो आदिवासी एरिया है, अंचल है, वहाँ में बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था, फिर भी वहाँ में उनको ये दे दिया गया, बिजनेस दे दिया गया है। उत्कल एलुमिना इंटरनेशनल लिमिटेड को 70 करोड़ दिया गया है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने 10 करोड़ दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। तो टोटल दे पेड टू बीजेडी गवर्नमेंट 254.5 करोड़। नेक्स्ट कम्स जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, उन्होंने 100 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिया है बीजेडी सरकार, बीजेडी पार्टी को। जिंदल उत्कल, जेएसडब्ल्यू उत्कल स्टील प्लांट जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ में भी ट्राइबल्स ने, वहाँ में आदिवासी लोग ने प्रोटेस्ट किया, फिर भी उनको वहाँ बिजनेस मिल गया। जिंदल स्टेनलेस 30 करोड़, तो टोटल 130 करोड़। रश्मि ग्रुप का डोनेशन, रश्मि ग्रुप कंपनीज बीजेडी पार्टी को दिया है, रश्मि सीमेंट ने दिया है 45 करोड़, रश्मि मेटलिंग्स ने दिया है 27 करोड़, ओडिशा मेटलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिया है 18 करोड़, तो टोटल दिया है 90 करोड़। रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने दिया है 50 करोड़, एस एन मोहंती ग्रुप ने दिया है 45 करोड़, वेदांता लिमिटेड ने दिया है 40 करोड़, पेंगुइन ट्रेडिंग एंड एजेंसीज ने दिया है 30.5 करोड़, श्री जगन्नाथ स्टील एंड पावर लिमिटेड ने दिया है 14 करोड़। अभी बीजेपी तो एक पार्टी एक्सटॉर्शन का तो उनका नाम चला ही है, ये एक्सटॉर्शन पार्टी हो गया है, अभी बीजेडी भी वो सेम स्टेप में चल जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि उनको जब बिजनेस मिला है तब उनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिया गया है। ऐसा अभी देख रहे हैं कि इतने सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो इनको मिला है, ये पूरा एक उनका खाता का भरने के लिए ये सब किया गया है। और आप जितना भी एडवर्टीजमेंट अभी देख रहे हैं, जितना भी पैसा उनको खर्चा कर रहे हैं, ये सब कहाँ से मिल रहा है, ये सब अनहोली अलायंस से मिल रहा है, क्योंकि ये बिजनेस
और क्विड प्रो को जो है उसका एक मिलन होके ये लोग पैसा खर्चा कर रहा है। और उल्टा में क्या हो रहा है, दे आर नाउ फ्रीजिंग द अकाउंट्स ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का जितना भी अकाउंट्स है जो क्राउड फंडिंग से भी आया है उनको भी दे हैव ट्राइड टू कर्ब एंड क्रिपल द फाइनेंसेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट द बीजेपी एंड द बीजेडी, बीजेपी एट द सेंटर एंड बीजेडी इन द स्टेट आर ट्राइंग टू लूट थ्रू देयर इंस्टीट्यूशंस, ट्राइंग टू कंट्रोल द इंस्टीट्यूशंस लाइक ईडी, सीबीआई, आईटी and forcing the companies to buy electoral bonds for their own party's benefit. इसके बारे में डिटेल में रजनी जी बोलेंगे। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अमिया पांडा जी आपका वीडियो जो है वो थोड़ा चला दीजिए।